नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय पुरी। और इस समय हम हैं धर्मशाला में, और धर्मशाला में अगर आप आ रहे हैं जिला कांगड़ा में, अगर आप एंटर कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात की सूचना दे दूं कि यहां पर डबल हेलमेट पहनना जो है वे आवश्यक है, जिसके चलते अब चालान होना जो है वे शुरू हो गए हैं। लगातार जो है वे लाइव अपडेट समाचार फर्स्ट के माध्यम से इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इस समय यहाँ पर नाका लगाया गया है पुलिस द्वारा, और डबल हेलमेट के साथ जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है उन लोगों के चालान जो है वे काटे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह इस समय बाहर से आए वाहनों को भी और जो लोकल वाहन हैं उनको भी, जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है, उन लोगों को जो है वे रोका जा रहा है। तो देख सकते हैं लाइव कि किस तरह जो है इस समय यहाँ पर नाका लगाया गया है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वे एकत्रित किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने हेलमेट दो पहिया वाहन में आए हैं, जिन्होंने डबल हेलमेट नहीं पहना है, उन लोगों के खास तौर पर जो है वे चालान किए जा रहे हैं। तो लाइव अपडेट जो है वे इस समय हम धर्मशाला के एजुकेशन बोर्ड के नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इस समय पुलिस द्वारा नाका लगाया गया है और यहाँ पर चालान करना पुलिस ने शुरू कर दिया है। जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उन लोगों के चालान जो हैं इस समय काटे जा रहे हैं। तो लाइव अपडेट को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। डबल हेलमेट जिला कांगड़ा में कंपलसरी हो गया है। अगर आप दो लोग हैं, दो पहिया वाहन है और दो लोग जो हैं अगर उस पर सवार हैं, तो दोनों ही लोगों को हेलमेट पहनना जो है वे आवश्यक है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना होगा तो आपका चालान जो है वे काट दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह इस समय जो लोग धर्मशाला आ रहे हैं ख़ास तौर पर उन लोगों के चालान जो हैं वे इस समय काटे जा रहे हैं। पुलिस ने नाका लगाया है और इस समय लगातार चालान जो हैं वे काटने का कार्य जारी है। तो इस समय हम हैं धर्मशाला के एजुकेशन बोर्ड के पास। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पुलिस की अलग अलग टुकड़ियाँ जो हैं वे लगी हुई हैं और चालान काटने का प्रोसेस जो है आप देख सकते हैं कि विदाउट हेलमेट पीछे की सवारी थी, दो पहिया चालक हैं, सवारी थी और उन्हें रोक लिया गया है और उनके चालान जो हैं वे इस समय उनके कागजात लिए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि डबल हेलमेट क्यों नहीं लगाया। तो अब डबल हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। जिन लोगों ने डबल हेलमेट नहीं लगाया होगा उन लोगों के चालान जो हैं वे काटे जाएंगे। तो देख सकते हैं कि RC जो है गाड़ी की ले ली गई है, कागजात ले लिए गए हैं और अब चालान काटने का प्रोसेस जो है वे शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, अगर आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं, क्योंकि आजकल जो है वे कागज़ आपके जो हैं वे नंबर के थ्रू ही जो हैं वे चेक हो जाते हैं, लेकिन डबल हेलमेट सबसे ज़्यादा है कि डबल हेलमेट अगर आपने नहीं पहना है तो आपको यहाँ पर चालान भुगतना पड़ सकता है। ये बाहर की गाड़ी है, JK नंबर गाड़ी, उसे भी रोका गया है, उसका भी जो है वे चालान यहाँ पर किया जाएगा। तो लाइव अपडेट लगातार जो है वे हम आपको समाचार फर्स्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह इस समय पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है और नाकाबंदी के चलते यहाँ पर चालान काटने का कार्य जो है पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लंबे समय से जो है वे जागरूक लोगों को किया जा रहा था कि डबल हेलमेट पहनना जो है वे इस समय आवश्यक है, और अगर आप कांगड़ा में एंटर कर रहे हैं तो आपको डबल हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन लोगों ने जो लोग अनसुनी कर रहे हैं उन लोगों के चालान यहाँ पर काटे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये गाड़ी है बाहर की, और इस गाड़ी को भी यहाँ पर रोका गया और सीट बेल्ट पहनी गई थी, सीट बेल्ट पहनी हुई थी। तो ये बाहर AHP 888 गाड़ी भी यहाँ पर रोक ली गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चालान कितने का है ये भी हम आपको जानकारी जो है वे देंगे। तो एक और बाइक जो है वे आ रही है, आप देख सकते हैं कि ये बाइक सवार है और इसे भी रोक लिया गया, डबल हेलमेट नहीं पहना था, तो इसका भी चालान जो है वे काटा जाएगा। कितने का चालान कट रहा है, क्या जानकारी है, वे भी हम आपको देंगे। यहाँ पर मिनिमम बता रहे हैं कि जो आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं कि मिनिमम चालान जो है वे 500 का जो है वे काटा जा रहा है। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी से जो है वे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज नाकाबंदी की गई है, किस बिहाव पर जो है वे चालान जो है वे यहाँ पर काटे जा रहे हैं और कितने चालान इस समय काटे जा चुके हैं। तो लाइव अपडेट को शेयर करना ना भूलें दोस्तों।
जानकारी साझा करें और लोगों तक पहुंचाएं। देख सकते हैं ये चालान किस तरह यहाँ पर ये काटे गए हैं। यहाँ पर नाका लगाया गया है और पुलिस द्वारा जो है वे चालान जो है वे काटे जा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? तो लाइव अपडेट है और इस समय देख सकते हैं कि किस तरह जो है गाड़ी के कागजात लिए जा रहे हैं, चालान जो है वे भरे जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जानकारी साझा करें। धर्मकोट सर चालान किए जा रहे हैं आज कि डबल हेलमेट या बाकी जो सीट बेल्ट या बेलना की चालान भी हो रही है? सर अभी मैजिस्ट्रेट की चेकिंग है, आप उनसे कंसर्न कर लीजिए मैजिस्ट्रेट की। तो बता रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट की चेकिंग है और उनके द्वारा जो है ये नाका लगाया गया है। तो लाइव अपडेट को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जानकारी साझा करें और बता दें कि आपको किस तरह यहाँ पर डबल हेलमेट लगाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डबल हेलमेट अगर आप नहीं लगाएंगे या कानूनों की अवहेलना करेंगे तो आपका चालान जो है यहाँ पर कट सकता है। तो याद रहे, अगर आप जिला कांगड़ा में आ रहे हैं तो जिला कांगड़ा में आने पर जो है वे आपको डबल हेलमेट पहनना पड़ेगा और जो कानून की पालना है वे करना पड़ेगी। देखते रहें समाचार फर्स्ट।